इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर जमीयत उलमाए हिंद का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग यहां इकट्ठा हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं इस बिल को वापस लिया जाए। इस घर में कई तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं शांति से मार्च निकाला जा रहा है, कहीं हिंसक, जैसे हमने पूर्वोत्तर के राज्यों में देखा वहाँ हिंसक घटनाएँ हो रही हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ और हैरान करने वाली चीज़ है, यहाँ पर पुलिस एक बड़ी तादाद में मौजूद है, सुरक्षा बल यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ पर लोगों को जाने से रोका जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको जाने से रोका जा रहा है। ये किस तरीके की चीज़ें हैं? जंतर मंतर, जिसको इस देश की सरकार ने प्रोटेस्ट करने के लिए ही ये स्थान दिया है, वहाँ पर अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट होता है और वहाँ पर इस और लोगों की आवाज़ को दबाने की सरकार इस तरीके से कोशिश करती है, तो ये बड़ा सवाल पैदा करता है, बड़ा सवाल खड़ा करता है देश के कानून को लेकर, देश में संविधान को लेकर, तरीके से सरकार क्या आवाज़ दबा सकती है। यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, ख़ासतौर से जो बड़े चैनल हैं, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, इस तरीके के जो चैनल हैं, इनको भी रोक लगा, इनको भी अंदर जाने से रोका गया है। देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में पुलिस सुरक्षा बल मेरे पीछे मौजूद है और तैयार, एक तरीके से तैयार है किसी भी लाठी चार्ज करने के लिए। इस तरीके की बैरिकेडिंग पूरी तरीके से की गई है, दोनों तरफ से आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और जो बड़ी खबर अभी सामने आ रही है वो ये है कि मेट्रो में पटेल चौक जो स्टेशन है वहाँ पर मेट्रो नहीं रुक रही है, कहीं ना कहीं लोगों को आने से रोका जा रहा है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद पहले से मौजूद है और ये है, और ये भी खबर है कि और बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं, इसलिए सरकार ने इस तरीके के जो कदम उठा रखे हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, लेकिन क्या इस तरीके के कदमों से जो देश में उठने वाली आवाज़ें हैं, जनता की आवाज़ें हैं, उनको इस तरीके से दबाया जा सकता है? इस वक्त जमीयत उलमाए हिंद से जुड़े हुए कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। और जो अभी हालात बाहर थे, शायद इन लोगों को अभी नहीं पता है कि बाहर क्या क्या हुआ है, कितनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल मौजूद था, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था, और मेन स्ट्रीम मीडिया, यहाँ पर छोटे मोटे ऑनलाइन पोर्टल और सोशल मीडिया के लोग मौजूद तो थे, लेकिन जितने बड़े चैनल हैं उनको सबको बाहर रोका गया था। तो जानेंगे क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, भारत का जो मुसलमान है, उसकी यही सरजमी है, उसका जन्म यही हुआ है, वो यहीं पैदा हुआ है। और ये इस जो सरजमी है जहां हम खड़े हैं, इस सरजमी के अंदर हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे पुरखों का जो है लहू इसके अंदर मिला हुआ है। हम कहीं आके बसे नहीं हैं कि कोई हमें डराएगा, धमकाएगा, या हमें रोकने का काम करेगा, या किसी तरह दबाने का काम करेगा, तो हम वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जमहूरियत के हिसाब से, लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से जो हमें राइट मिले हैं, अधिकार मिले हैं, उसका हम मुकाबला करेंगे, उसकी मजम्मत भी करेंगे, निंदा भी करेंगे, और उसका आगे बढ़कर हर तरह से जो से भी पॉसिबल होगा उसका सामना किया जाएगा। आवाज़ दबाई जा रही है, दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए आवाम को दबाया जा रहा है, और मीडिया को यहाँ तक जहाँ तक पहुँचना चाहिए था उसको चारों तरफ से रोका गया। मेन स्ट्रीम का मीडिया कोई भी यहाँ नहीं पहुँच सका, जो भी सोशल मीडिया है, यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी बात पहुँचा रहे हैं, क्योंकि सरकार डरती है कि सरकार के जो कदम उठाए गए हैं वो इसको मुल्क, इस मुल्क की जो आपसी स्वार्थ है, आपसी प्यार मोहब्बत है, जो आपसी भाईचारा है, उसको नुकसान पहुँचाने का उन्होंने कदम उठाया, सरकार भी अच्छी तरह जानती है। और ये साजिश के तहत जो चल रहा है वो चाहती है कि जो मुसलमान की आवाज़ जो है पूरी दुनिया में ना पहुँच सके और मुसलमान की आवाज़ यहीं दब के रह जाए। वो जानती है सरकार की अगर यहाँ से बाहर मुल्कों में आवाज़ें जाएंगी भारत के लोगों की, हिंदुस्तानियों की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी और दीगर समाज का हो, लेकिन हर वो जो शहरी है, हर वो जो हिंदुस्तानी है, जो जानता है कि क्या गलत किया जा रहा है, सही जा रहा है, वो सही मुद्दों पर जो है आवाज़ उठाता है और बुरे कामों की जो है वो निंदा करता है। उन्हीं आवाज़ों को दबाने के लिए आज यहाँ पर मेन स्ट्रीम का मीडिया जो है बिल्कुल नहीं आने दिया। इसका मैं कड़े अल्फाजों के अंदर उसकी निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ कि मीडिया से हमको दूर ना किया जाए, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम होता है कि जिससे हम अपने जज्बात, अपनी बात को आम सरकारों तक पहुँचाते हैं और दूसरे मुल्कों तक पहुँचाते हैं और हर शहरी तक हमारी बात पहुँचती है कि हम चाहते क्या हैं, क्यों हम इकट्ठा हुए हैं, हमारी तरफ से जो ये किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है,
है, जो ये जलसा किया जा रहा है उसका कारण क्या है, वजह क्या है, ये मीडिया के जरिए से हमारी बातें पहुँचती हैं आम आदमी तक। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ये माना जाता है कि वो सरकार का फेवर लेती है, लेकिन इस प्रोग्राम में आने से रोकने के पीछे क्या वजह हो सकती है, जबकि वो तो सरकार की ही आवाज़ है। वो नहीं चाहते कि ये आवाज़ जो है पूरे देश में फैले, उनको ये डर है कि जिस तरीके से पूरे देश में घटनाक्रम हो रहा है कि ये मीडिया जो है वो उनके हाथ से निकल सकती है। सरकार तो ये सरकार नहीं चाहती है कि CAB के खिलाफत जो है पूरे मुल्क के अंदर पहुँचे, उसकी आवाज़ पहुँचे और पूरा मुल्क का जो भारतीय है, नागरिक है, वो एक दूसरे से जुड़ सके, एक दूसरे से जुड़ने के बाद वो कोई ऐसा कदम उठा सके कि इस बिल को गिराया जा सके या सरकार को इस बिल को वापस लेने के लिए उसको मजबूर किया जा सके। इसलिए वो नहीं चाहते कि पूरे मुल्क में एक दूसरे की खबर सूचना जो है मीडिया के माध्यम से पहुँचे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जो 5 वर्षों में मीडिया जो बिल्कुल सरकार के हक में दिखाई देता था, लेकिन कहीं मीडिया को भी एहसास हुआ है कि कुछ मुद्दों पे हमारी तरफ से जाती हुई है, हमसे गलतियां हुई हैं, हमने नाइंसाफी की है, तो आज वो कुछ मुद्दों पर आवाज़ उठाने का मीडिया भी काम कर रहा है। तो शायद मैं ये मानता हूँ कि इसीलिए से मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है उसको दूर रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वो पूरे भारत में पहुँचती है, उसका बड़ा तंत्र है, बड़ा उसका नेटवर्क है, इसलिए उसको पूरे भारत में ये आवाज़ ना पहुँचे, यहाँ के आवाम की आवाज़ ना पहुँचे, ये ना पता लगे कि दिल्ली के अंदर कितनी बड़ी तादाद में इसका जो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है उसकी मुखालफत की गई है, उसका विरोध किया गया है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर खबर ना पहुँच सके। जैसा कि आज हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो आसाम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, जिनका नेटवर्क बंद कर दिया गया है, मोबाइल बंद कर दी गई है, नेट की फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई है, और यहाँ तक एक एडवाइजरी जारी करके गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है टेलीविज़न चैनल्स के लिए, प्राइवेट चैनल्स के लिए, कि आप जो है गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट की खबरों को ज़्यादा दिखाने का काम ना करें, उनको एक तरह से डराने का काम किया गया है, उनको एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि उसमें कहते हैं कि नेगेटिव तौर पे कहते हैं कि एक तरह से बिल्कुल धमकी दी गई है कि आपको अगर आपने दिखाने का काम किया गया तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो इसी तरह से हमारी आवाज़ नॉर्थ ईस्ट में ना पहुंचे, नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ जो है साउथ में ना पहुंचे, साउथ की आवाज़ जो है वेस्ट में ना पहुंचे, ये सरकार का पूरा जो है इंतजाम किया जा रहा है, और किसी भी तरीके से जो है दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए कुचलने का, दबाने का काम पुरजोर तरीके से जो है ये सरकार कर रही है, जिसका मैं अपने अल्फाजों से कड़ी मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ, उसकी घोर निंदा करता हूं कि सरकार के जो कदम है, सरकार जो काम कर रही है, महंगाई के ध्यान हटा के, रोजगार से ध्यान हटा कर, जो और समस्याएं हैं इस मुल्क में, आज प्याज की क्या हालत है, आज तेल की क्या हालत है, तमाम मुद्दों से जो ध्यान हटा के सरकार जो है इसी तरह से पिछले 5-6 साल के अंदर हम लोगों को उलझा के रखना चाहती है। जमीयत उलमाए हिंद एक समाजी संस्था है, क्या इस प्रोटेस्ट में सियासी तौर पर भी कोई नुमाइंदा शामिल हुआ किसी पार्टी का जो आपके साथ? मुझे पूरी जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी है कोई सियासी नुमाइंदा इसके अंदर नहीं आया, सब सोशल लोग जो है आए, उन्होंने अपनी बात रखी है, आवाज़ रखी है, बड़ा शांतिप्रिय धरना था, शांति के साथ, अमन के साथ अपनी बात रखी गई है। आपने अगर आखिर में देखा हो तो जो कॉल किया गया मदनी साहब की तरफ से, उसको कॉल को अपनाते हुए सारे मुसलमान भाई जो आए थे पूरे जज्बे के साथ आए थे, उसी जज्बे और खुलूस के साथ जो है वो वापस हुए हैं यहाँ से, किसी तरह का कोई अमन और उसमें जो है किसी तरह की भी कोई परेशानी किसी भाई की तरफ से जो है नहीं पैदा की गई है उसमें, और आगे भी मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि भविष्य में, क्योंकि हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि जो साजिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से हमारे मुसलमान भाइयों से किसी तरह की गलती हो, और उस गलती का फ़ायदा उठाते हुए जो गवर्नमेंट हम पे एक तरह से नरसंहार करना चाहती है, लाठीचार्ज करना चाहती है, जिस तरह से मुसलमान भाइयों पर गोली चलाना चाहती है, हम उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, इंशाल्लाह हम वो मौका इस गवर्नमेंट को नहीं देंगे। जमहूरियत के हिसाब से जो हमें हकूक मिले हैं उस हकूकों का सहारा लेते हुए इस गवर्नमेंट के खिलाफ इसके खिलाफत करने का भी काम करेंगे, इसके खिलाफ उठने का भी काम करेंगे, चलने का भी काम करेंगे, लड़ने का भी काम करेंगे, लेकिन सारे कदम जो होंगे वो जमहूरियत के अंदर होंगे। मुल्क को बनाया है एक गुलशन की तरह, हम नहीं चाहते हैं कि कोई जो है इस गुलशन में आकर इसको बर्बाद करे, इस मुल्क को बर्बाद करे, लिहाजा हम इस मुल्क के वफादार हैं, इस मुल्क को जो है हम जो है वफादार के साथ साथ जो है इस मुल्क को हम टूटने नहीं देना चाहते हैं, इस मुल्क को हम बांटना नहीं चाहते हैं, ये मुल्क हमारा है, हमारा ही रहेगा, और हमें जो शहरियत है हमें वो हक दिया जाए और उस हक में रखा जाए और हमें जो है दूसरे नंबर का शहरी ना बनाया जाए।